सबको नतमस्तक प्रणाम। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप 5-6 दिन से जहां महाराज जी के शास्त्री महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, हनुमान नगरी में बैठे हो जहां साक्षात हनुमान जी रहते हैं जहां पे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप जो बहन है, ये बच्चा, इसको बड़े अथक प्रयास से 2 साल से गुरु कृपा सिद्ध श्री हनुमान धाम और हमारे पंडित जी अंकुश जी श्याम इस चैनल को सभी प्रमोट करना आगे अपने कल मेरा समापन है। लगातार 6-7 दिन से जिनको बाबुल कथा का जहाँ उच्चारण करने को, भगवान का नाम सिमरन कीर्तन करने को मौका मिलता है, उसी तरह जिस तरह हमारे परम पूज्य महंत नरेंद्र दास जी महाराज जो भी बता रहे थे कि रात को भजनों
के जरिए भगवान का गुणगान जहाँ होगा हर दिन होता आ रहा है। इस तरह लगता रहा जहाँ जहाँ ही बन गई और हमें हर समय लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम भगवान का महंत नरेंद्र दास जी महाराज जिन्होंने कोई ना कोई कार्यक्रम जहाँ हम सब लोग खुशकिस्मत हैं जिनको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हमारे संत नरेंद्र दास जी का आशीर्वाद हम सब पर बना है और इसी तरह आगे भी बना रहे और हम सब जहाँ से आशीर्वाद और भगवान का नाम सिमरन भी जहाँ हम जिस तरह हमें सुनने को सिमरन करने को मिल रहा है। पंजाब के स्पीकर और गर्जी देने जा नरेंद्र दास महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शास्त्री जी को भी और श्रीमद् भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि हमारे बीच में ऐसे महान संत हैं जिनके हम सभी जहाँ भक्ति में रंग में रंग जाते हैं ऐसा उनके ऊपर हमारे ऊपर सभी के ऊपर अनुकंपा बनी रहती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है जो जितने भी हमारे 18 महापुराण हैं उन सभी पुराणों का जो सार दत्तव है जो उनका सार निकाला जाता है सभी को मंथन करके जो एक बना जितने भी हमारे चार वेद उपनिषद शान में हमारी स्मृतियाँ उस सभी ग्रंथों को ब्राह्मण आरण्यक श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता का जो संबंध है वो हमेशा जैसे शुभ जी और परीक्षित जी का था उसी प्रकार रहना चाहिए। उसी बात से हमें